Welcome, students, to our next lecture. इस lecture में basically हमने discuss करनी थी paradoxes जो special theory of relativity में काफी famous हैं. The first one is the twin paradox and second is pole barn paradox. और सबसे पहले हम discuss करेंगे the twin paradox. Twin paradox में basically जो concept involved है जो हमने स्टडी किया था टाइम डायलेशन में. टाइम डायलेशन में बेसिकली टाइम डायलेशन के इफेक्ट में हमने स्टडी किया था कि टाइम डायलेशन डज नॉट ओनली अप्लाई ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल्स बट टू ऑल नेचुरली अकरिंग टाइम इंटरवल्स इंक्लूडिंग पल्स रेट्स एंड लाइफ टाइम्स. तो अगर हम इस कंसेप्ट को देखें और इसको मज़ीद आगे ले कर चलें तो अगले दर्जे में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि अगर टाइम डायलेशन का इफेक्ट हर बायोलॉजिकल सिस्टम पे भी अप्लाई होता है, यानी कि लाइफ ऑफ द सेल्स पे, लाइफ टाइम्स पे और उसके साथ साथ पल्स रेट्स पे, तो अगर हमारे पास कोई दो ऐसे ट्विन्स हों, कोई दो ऐसे लेट से आपके पास सेम एज के आपके पास कोई भी ब्रदर्स हैं और अगर उनमें से एक को ज़मीन पे रख लिया जाए और दूसरे को किसी स्पेसशिप में बिठा के तो मूव करवा दिया जाए अवे फ्रॉम द अर्थ. लेट से हमारे पास दो ट्विन्स हैं और एक ट्विन अर्थ पे ही रह जाता है और ये एक ट्विन आपके पास अर्थ पे है और दूसरे ट्विन को किसी स्पेसशिप में मूव करवा दिया जाता है विद वेलोसिटी वी और ये वेलोसिटी वी के साथ मूव करना शुरू कर देता है अवे फ्रॉम द अर्थ. तो इस केस में लेट से ट्विन्स का हम नाम रख लेते हैं गैसलो एंड स्पीडो. और यहाँ पे आपके पास गैसलो है और ये स्पीडो जो है ये मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द अर्थ. और अगर इस बात को टाइम डायलेशन की बात को ज़हन में रखा जाए कि टाइम डायलेशन का इफेक्ट रियल है तो इस केस में ये पजल ओरिजिनेट होती है कि अगर स्पीडो अपने एक लॉन्ग जर्नी से काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रैवल करने के बाद वापस अर्थ पे आएगा और काफ़ी टाइम ट्रैवल के बाद वो वापस अर्थ पे पहुंचेगा तो उस केस में क्या स्पीडो वाकई ही एज में कम होगा, यानी कि एज ऑफ गैसलो क्या वाकई ही ज़्यादा होगी फ्रॉम एज ऑफ स्पीडो. इस बात को हमने चेक करना है, इस बात को हमें स्टडी करना है. और दूसरी बात जो यहाँ पे एक और चीज़ इन्वॉल्व होती है वो बेसिकली ये है कि हमने टाइम डायलेशन के इफेक्ट में या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने डिस्कस किया था कि मोशन इज़ रिलेटिव. अगर मोशन आपके पास रिलेटिव है तो इस केस में हमने स्टडी किया था कि एस फ्रेम को एस प्राइम फ्रेम का टाइम डायलेटेड नज़र आता है जबकि एस प्राइम फ्रेम को एस फ्रेम की क्लॉक पे टाइम डिफरेंट नज़र आता है. बेसिकली दोनों को एक दूसरे की लेंथ या टाइम जो है वो कंट्रैक्टेड या डायलेटेड नज़र आते हैं. तो अगर इस चीज़ को ज़हन में रखा जाए तो फर्स्ट केस में हम ये कह सकते हैं कि स्पीडो जो है वो गैसलो से छोटा होगा और क्योंकि स्पीडो के लिए गैसलो जो है वो ऑपोजिट वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि अर्थ अगर आप स्पेसशिप को और अर्थ को कंसिडर कर रहे हैं तो अर्थ पे क्योंकि गैसलो अर्थ पे मौजूद है और गैसलो के लिए स्पीडो विद वेलोसिटी वी ट्रैवल कर रहा है तो गैसलो को गैसलो के लिए स्पीडो की जो लाइफ है वो कम नज़र आनी चाहिए और इसी तरह स्पीडो के लिए बेसिकली गैसलो की लाइफ कम नज़र आनी चाहिए क्योंकि स्पीडो के लिए गैसलो ऑपोजिट वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में विद सेम वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है. और लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों को आपस में कंबाइन करें तो ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं हो सकती कि स्पीडो के लिए गैसलो छोटा हो और गैसलो के लिए स्पीडो छोटा हो. तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई एक चीज़ पॉसिबल है, या स्पीडो के लिए गैसलो छोटा होगा या गैसलो के लिए स्पीडो छोटा होगा. तो इस केस में हमने फाइनल कंक्लूजन जो है वो फाइंड करना है कि असल में क्या होगा.
क्योंकि अगर जब काफ़ी लॉन्ग जर्नी के बाद स्पीडो जो है वो अर्थ पे वापस पहुंचेगा, स्पीडो अर्थ पे अगर वापस पहुंचेगा तो एट द एंड दोनों केसेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं होंगे। तो एक्चुअली आपके पास क्या हो रहा होगा ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये आप लोगों को मैंने एज असाइनमेंट भी दी थी और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पर काफ़ी सोचा होगा। तो अगर हम इस केस में इस केस को मज़ीद आगे लेके चलें तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि स्पीडो जो है, लेट्स से मैं दोबारा ड्रा करता हूँ, यहाँ पे गैस लो है, अर्थ पे आपके पास गैस लो है और स्पीडो मूव कर रहा है आपके पास विद वेलोसिटी वी, स्पीडो मूव कर रहा है। अगर असल में देखा जाए तो स्पीडो ने ट्रैवल करके वापस अर्थ पे आना है, यानी कि जब वो वापस अर्थ पे आ रहा होगा तो इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी होगी, यानी कि किसी ना किसी टाइम पे उसको अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो रिवर्स करनी पड़ेगी। और इस केस में जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी, एक्सलरेशन का हमारे पास फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। और यहाँ पे अगर आप देखें, लेट से ये वो पॉइंट था जब यहाँ पे उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी और इस पॉइंट पे जब उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थी। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हम कंसिडर कर लेते हैं, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो इस केस में वी एफ अगर आप देखें और अगर हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से हैं कि इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इस केस में वी इंटू माइनस एक्स प्राइम माइनस इनिशियल वेलोसिटी अगर आप उसकी देखें तो वो आपके पास अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो वी इंटू एक्स डिवाइड बाई टी। और ये आपके पास आंसर ज़ीरो आने की बजाय माइनस टू वी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाई टी आंसर आ रहा है। इस केस में क्लियरली स्पीडो जो स्पेस शिप में मूव कर रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद वापस आएगा अर्थ पे, वो एक एक्सलरेटेड फ्रेम में है। या हम इसको एक और इक्विवेलेंट वे में देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये अर्थ है और अर्थ पे ट्विन्स में से एक यानी कि गैस लो मौजूद है और स्पेस शिप जब यहाँ से लेट से स्पेस शिप दो साल तीन साल या जितना भी टाइम ट्रेवल करता है, लेट से वो इस पॉइंट तक जाता है और उसके बाद वापस आता है, तो जब वो इस पॉइंट की तरफ जा रहा था तो वो एक इनर्शियल फ्रेम था, यानी कि जब उसने अपना मोशन अर्थ से स्टार्ट किया, पॉइंट एंड पॉइंट को हम कह लेते हैं डेस्टिनेशन, यानी कि ये फाइनल उसका पॉइंट था डी, तो जब वो अर्थ से लेके डी पॉइंट तक जा रहा था तो वो एक इनर्शियल फ्रेम था, इसको हम एस वन कह लेते हैं। और जब यहाँ से उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की तो इस जब वो अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ दोबारा अर्थ की तरफ वापस आ रहा है तो वो एक और इनर्शियल फ्रेम है एस टू। यानी कि गैस लो आपके पास एक एब्सोल्यूट फ्रेम में है, एक इनर्शियल फ्रेम में है, जो थ्रू आउट द जर्नी थ्रू आउट द प्रोसेस अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है। गैस लो के मोशन की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर आप देखें तो स्पीडो जो है वो जब अर्थ से अवे जा रहा था तो वो एक इनर्शियल फ्रेम एस वन में था और जब वो अर्थ की तरफ वापस आ रहा है तो वो एक दूसरे इनर्शियल फ्रेम एस टू में है। तो इस केस में अगर आप देखें तो टोटल जो जर्नी है, टोटल जर्नी ऑफ स्पीडो आपके पास दो इनर्शियल फ्रेम्स का सम है, यानी कि गोइंग अवे जिसको हम S1 कह रहे हैं प्लस कमिंग बैक टुवर्ड्स द अर्थ, कमिंग बैक टुवर्ड्स द अर्थ। और इस जर्नी को या इस इनर्शियल फ्रेम को जो इस केस में इनर्शियल फ्रेम होगा उसको हम S2 कह रहे हैं। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि इस केस में गैस लो जो है जो अर्थ पे मौजूद है इस टाइम पे वो आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम है, जबकि जो स्पीडो मूव कर रहा है वो एक एक्सलरेटेड फ्रेम में है, इसलिए क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है और वो दो इनर्शियल फ्रेम्स का सम है। तो फाइनली जिसकी एज आपको कम नज़र आएगी, जिसकी जिस पे टाइम डायलेशन के अफेक्ट्स जो हैं वो शो होंगे,
वो आपके पास गैस स्पीडो होगा, ओके, क्योंकि वो रियलिटी में मूव कर रहा है. स्पीडो इज मूविंग, स्पीडो मूव कर रहा है बेसिकली रियलिटी में, क्योंकि वो एक एक्सीलरेटेड फ्रेम में है. इस केस में एज ऑफ स्पीडो शुड बी लेस देन गैस लो एट द एंड ऑफ जर्नी. और हकीकत में ये होना चाहिए. ये इफेक्ट्स हमें एक्सपेरिमेंटली आप इनको वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन नहीं किया गया जिसमें दो ट्विन्स इन्वॉल्व हों और एक ट्विन को आपने काफी ज्यादा टाइम के लिए जो स्पेसशिप में कहीं दूर भेज दिया हो और वापस आने पे आपने दोनों को आपस में कंपेयर किया हो कि वाकई स्पीडो की उम्र कम है या नहीं. लेकिन इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो एटॉमिक क्लॉक्स को यूज करके डिजाइन किया गया था, यानी कि ट्विन एटॉमिक क्लॉक्स. ट्विन एटॉमिक क्लॉक्स का मतलब आपके पास है कि ऐसी क्लॉक्स जो बिल्कुल सिंक्रोनाइज थी. ट्विन एटॉमिक क्लॉक्स को यूज करके इस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया गया है. ऐसी एटॉमिक क्लॉक्स जो बिल्कुल सिंक्रोनाइज थी, उसके बाद एक क्लॉक C1 को आपने लेबोरेटरी में रख लिया और दूसरी एटॉमिक क्लॉक C2 को आपने एयरलाइन शिप में रख के मूव करवा दिया थ्रू आउट द वर्ल्ड. यानी कि जो एयरलाइनर है, जो बेसिकली एक एरोप्लेन है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड मूव करता रहेगा एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक. और अगर आप एक या दो या तीन साल बाद दोनों क्लॉक्स को कंपेयर करेंगे तो इस केस में, क्योंकि C2 आपके पास एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, ये मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू C1 आपके पास एक एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम में है, तो एट द एंड होना ये चाहिए कि आपको C2 बेसिकली C2 का टाइम जो है वो कम नज़र आना चाहिए या कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू C1. और ये रिजल्ट्स वेरीफाई किए गए हैं, और कि एक क्लॉक को, एटॉमिक क्लॉक को रख के एक एयरलाइनर में और उसको कंपेयर किया गया लेबॉरेटरी में जो मौजूद थी क्लॉक उसके साथ, और ये रिजल्ट्स वाकई ही जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो मेजर किए गए. क्यों एटॉमिक क्लॉक्स हमने क्यों यूज़ की? बेसिकली जो आपके पास एटॉमिक क्लॉक्स हैं ये टाइम इंटरवल को या जो टाइम डिफरेंस है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकती हैं अप टू 10^-2 ओके. ये माइक्रो सेकेंड से भी कम बनता है कि अगर इन दोनों क्लॉक्स के दरमियान एक माइक्रो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड से भी 10^-7 का भी टाइम डिफरेंस अगर पैदा होता तो उसको ये एटॉमिक क्लॉक्स शो कर सकती थी एक्यूरेटली, प्रिसाइजली. तो इसलिए एटॉमिक क्लॉक्स को यूज़ किया गया. और एट द एंड ऑफ द जर्नी ये वाकई साबित हुआ कि C2 जो थी उसका टाइम कम था एज कम्पेयर टू द C1. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पैराडॉक्स है वो है द बर्न पोल पैराडॉक्स. और बेसिकली इस पैराडॉक्स में अगर आप देखें तो जो एजम्पशन ली जाती है इसको आप ट्रीट कर सकते हैं. जो हमारे पास ट्विन पैराडॉक्स थी इसको आप ट्रीट कर सकते हैं फ्रॉम हैलिडे, रेज़निक एंड क्रेन, HRK की बुक से, चैप्टर नंबर 21. और पोल बर्न पैराडॉक्स को आप सर्वे जेवेट जो बुक है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स उसमें आप इसको रीड कर सकते हैं. ओके, द बर्न पोल पैराडॉक्स जो है आप में, इसमें बेसिकली ये पैराडॉक्स ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपके पास ओरिजिनेट होती है. इट इज अनदर क्लासिक पैराडॉक्स इन रिलेटिविटी और ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. और इसमें बेसिकली एज्यूम किया जाता है कि लेट से आपके पास कोई भी एक रनर है जो 0.75 C की स्पीड के साथ दौड़ रहा है आपके पास, और इस रनर के पास इसके हाथ में एक रॉड है और ये रॉड जो है आपके पास 15 मीटर है अकॉर्डिंग टू
द रेस्ट ऑब्जर्वर, यानी कि इस रॉड की जो रेस्ट लेंथ है वो आपके पास 15 मीटर है, प्रॉपर लेंथ ऑफ द रॉड इज 15 मीटर। ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास कोई एक बर्न है, कोई आप समझ लें कोई आपके पास मकान है, और इस मकान के यहाँ पे दो दरवाजे हैं आपके पास। ओके, दो दरवाजे हैं और इस मकान की लेंथ जो है, प्रॉपर लेंथ जो है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर और विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विच इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बार्न, और ये आपके पास पोल है। ओके, और ये 10 मीटर लेंथ है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो फिफ्टीन मीटर लेंथ का रॉड जो है वो हॉरिजेंटली इस बार्न में नहीं आ सकता, यानी कि अगर डोर्स को क्लोज कर दिया जाए तो ये रॉड जो है इन दोनों डोर्स के दरमियान इस बार्न के अंदर कभी भी आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलाउ करती है कि अगर यहाँ से लेंथ कैलकुलेट की जाए इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, लेट्स से यहाँ पे भी आपके पास एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है जो बार्न के डोर के पास खड़ा हुआ है, उसको ये रॉड जो वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है इसकी लेंथ जो है वो कंट्रैक्टेड नजर आएगी, यानी कि कम नजर आएगी, और इसके अकॉर्डिंग इस रॉड की लेंथ होगी एल नॉट डिवाइडेड बाई गामा। ओके, यहाँ पे अगर हम गामा की वैल्यू कैलकुलेट करें विच इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, तो गामा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.512। और यहां से अगर हम लेंथ कैलकुलेट करें फॉर द ग्राउंड ऑब्जर्वर विच इज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ बार्न, उसके लिए ये लेंथ आपके पास आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 1.512 इक्वल्स टू 9.9 मीटर्स। ओके, जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है आपके पास, यानी कि ये ऑब्जर्वर है जो आपके पास, इसके अकॉर्डिंग ये पोल 9.9 मीटर लेंथ का है जबकि बार्न की लेंथ 10 मीटर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पोल जो है इस बार्न के अंदर आ सकता है, पूरे का पूरा समेटा जा सकता है। लेकिन जो रनर है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा इसको हमने देखना है कि रनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, क्योंकि पैराडॉक्स अराइज ही तब करती है जब हम दूसरे ऑब्जर्वर यानी कि रनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। बेसिकली बर्न के अंदर पोल को इनक्लोज कैसे किया जाएगा कि लेट्स से जब ये रनर भागता हुआ इस पोल के साथ आएगा और जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है जिसके जो बांध के डोर के साथ खड़ा हुआ है, इसके हाथ में लेट्स से कोई रिमोट है और इस रिमोट का कंट्रोल इसके पास है, और जब ये कोई भी बटन प्रेस करेगा तो ये दोनों डोर्स क्लोज हो जाएंगे। अब आपके पास जो रॉड है जो पोल है उसकी लेंथ 9.9 मीटर्स है, अगर फॉर अ मोमेंट ये डोर्स क्लोज भी होते हैं तो ये पूरे का पूरा पोल जो है इस बांध के अंदर इनक्लोज हो सकता है। ओके, और साथ ही वो बटन दोबारा प्रेस करेगा क्योंकि ये रनर इस पोल को लेके भाग रहा है, तो ये पोल के साथ फिर आगे मूव करता हुआ चला जाएगा। लेकिन एक चीज अचीव हो जाएगी और वो चीज ये अचीव हो जाएगी कि आपने एक 15 मीटर लेंथ के पोल को, जिसकी प्रॉपर लेंथ 15 मीटर थी, उसको इनक्लोज कर लिया एक 10 मीटर वाइड बार्न के अंदर। ओके, अब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रनर। सो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रनर, अगर हम इसको भी मौका दें कि ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे, तो यहां से हमें नजर आता है कि रनर के लिए, क्योंकि मोशन रिलेटिव होता है, रनर एक पोल जिसकी लेंथ 15 मीटर्स है एक पोल पकड़ के खड़ा हुआ है, और रनर बेसिकली अपने आप को रेस्ट पे तसव्वुर कर रहा है, और इसके लिए ये बार्न जो है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसकी प्रॉपर लेंथ 10 मीटर है, और इस ऑब्जर्वर के लिए जो
जिसको हम रनर कह रहे थे, इस ऑब्जर्वर के लिए ये बॉन्ड जो है इसकी लेंथ जो है वो कंट्रैक्टेड नजर आएगी, और इसको बॉन्ड की लेंथ बेसिकली नजर आएगी एल नॉट ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय गैमा, और बॉन्ड की लेंथ इस केस में इसको नजर आएगी 10 डिवाइडेड बाय 1.512, हमारे पास गैमा की वैल्यू थी, और एल बॉन्ड इस केस में इसको नजर आएगी 6.6 meters. ओके, अब इसको ये नजर आ रहा है कि ये बॉन्ड जो है ये कंट्रैक्ट होके 6.6 meters का हो चुका है क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, और पोल जो इसके हाथ में है वो 15 मीटर का पोल है इसके हाथ में, और ये तकरीबन 2.5 टाइम्स बन जाता है, 2.5 या 2.3 टाइम्स स्मॉलर बन जाता है पोल की लेंथ से. तो वो जो आपके पास रनर है उसके केस में उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि ये जो पोल है ये कभी भी क्लोज नहीं किया जा सकता इस बांध के अंदर. तो यहाँ पे ये पैराडॉक्स जो है वो ओरिजिनेट होती है फॉर लेंथ कंट्रैक्शन, और लेंथ कंट्रैक्शन का जो फिनोमिना है उस पर क्वेश्चन मार्क जो है वो उस पर क्वेश्चन पैदा करती है. तो हम देखते हैं कि इस पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या अगर हम वाकई ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कह रहे हैं कि मोशन इज रिलेटिव, मोशन अगर रिलेटिव है तो इसको हम यहाँ पे इस मोशन को जो रिलेटिव है तो ये तब ही हम सही मान सकते हैं जब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सेटिस्फाई हो, यानी कि दोनों किसी एक नतीजे पे एग्री हो जाएं, किसी एक फाइनल कंक्लूजन पे एग्री हो जाएं, जिस तरह हम अभी ट्विन पैराडॉक्स में बात कर रहे थे. तो इस केस में बेसिकली जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर था आपके पास उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बॉन 10 मीटर का है और पोल जो है वो 9.9 मीटर का है ड्यू टू लेंथ कंट्रैक्शन. तो ये इस बॉन में ये पूरा पोल फॉर अ मूवमेंट जब वो डोर्स क्लोज करेगा तो वो उसमें इनक्लोज हो सकता है, लेकिन जो रनर है जो पोल लेके खड़ा हुआ है उसको ये नजर आ रहा है कि बॉन मूव कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी, और इसको ये नजर आ रहा है कि बॉन की लेंथ 6.6 मीटर्स है और पोल जो उसके हाथ में है उसकी लेंथ 15 मीटर्स है, और इसको ये फील होगा कि इसको फॉर अ मोमेंट भी इनक्लोज नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि जब पहला एंड यहाँ पे पहुंच चुका होगा तो 6.6 मीटर ये लेंथ होगी, और उसके बाद यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग लेंथ जो है वो रहती होगी. तो ये डोर जो है डोर टू इसको क्लोज नहीं किया जा सकता. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो यहाँ पे बेसिकली रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी इन्वॉल्व है, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी उसके भी हमने देखना है कि वो यहाँ पे क्या कह रही है. रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो डोर्स क्लोज किए गए थे हमारे पास और जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर था उसके हाथ में एक रिमोट था और रिमोट जो था उसके पास, और इसको हम लेट्स से कंसिडर कर रहे हैं एस प्राइम फ्रेम, और ये बॉन्ड जो है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, और यहाँ पे आपके पास दूसरे फ्रेम में एस फ्रेम में जो रनर था जिसके हाथ में ये पोल था 15 मीटर लॉन्ग इसके हाथ में पोल है, और अगर हम देखें तो ये आपके पास एस प्राइम फ्रेम है, और एस प्राइम फ्रेम जो है आपके पास इसके अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स प्राइम, यानी कि डेल्टा एक्स प्राइम विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, और डेल्टा एक्स प्राइम आपके पास इक्वल टू है 10 मीटर विच इज प्रॉपर लेंथ ऑफ द बॉन्ड. सो डेल्टा एक्स प्राइम इक्वल टू 10 मीटर्स. ओके, और उसके बाद जो आपके पास पोल की लेंथ है वो 15 मीटर है. अब एक और चीज जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो ये है कि जब ये अपने रिमोट को यूज करते हुए दोनों डोर्स को
क्लोज करता है, यानी कि ये दोनों डोर्स लेट से ये क्लोज कर देता है रिमोट को ऑन करके, तो इस केस में दोनों डोर्स इस ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए एक ही टाइम पे क्लोज हो जाएंगे। तो डेल्टा टी प्राइम यानी कि डोर्स बंद होने के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो इस केस में जीरो होगा। डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू जीरो यानी कि टाइम डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग डोर्स इज इक्वल्स टू जीरो इन एस प्राइम फ्रेम। और अब हम देखते हैं कि ये जो डोर्स क्लोज करने का प्रोसेस था, यानी कि पहला डोर डी वन भी क्लोज हो रहा है और दूसरा डोर डी टू भी क्लोज हो रहा है, तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये साइमल्टेनियस हैं इन एस प्राइम फ्रेम, लेकिन क्या ये साइमल्टेनियस होंगे इन एस फ्रेम और नॉट, ये चीज़ हमने चेक करनी है। यानी कि इन दोनों डोर्स के क्लोज होने के दरमियान क्या टाइम डिफरेंस होगा ये हम फाइंड करते हैं। तो लेट्स से हम अप्लाई करते हैं और ये डेल्टा टी प्राइम जीरो था ड्यू टू डोर्स क्लोजेस साइमल्टेनियसली, इसलिए इन एस प्राइम फ्रेम। ओके, हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन विच इज इक्वल्स टू डेल्टा टी इक्वल्स टू गैमा डेल्टा टी प्राइम प्लस वी डिवाइड बाय सी स्क्वायर डेल्टा एक्स प्राइम। वैल्यूज पुट करते हैं तो डेल्टा टी हमारे पास इक्वल्स टू आ जाएगा, गैमा की वैल्यू हमारे पास आई थी 1.512, अगर आपको याद हो फर्स्ट पेज में हमने गैमा की वैल्यू कैलकुलेट की थी 1.512, और वो यहाँ पे अगर हम पुट करें डेल्टा टी प्राइम की वैल्यू आपके पास जीरो है प्लस वी की वैल्यू हमारे पास थी 0.7 सी डिवाइड बाय सी स्क्वायर, और डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स प्राइम की वैल्यू हमारे पास ये है डेल्टा एक्स प्राइम की वैल्यू, और ये हमारे पास है इक्वल्स टू 10, और इस केस में डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा 11.34 डिवाइडेड बाय सी सेकंड्स। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डोर्स सेम टाइम पे क्लोज नहीं होंगे फॉर द ऑब्जर्वर विच इज इन एस फ्रेम और जिसका नाम हमने रनर रखा हुआ था, तो इस रनर के लिए ये दोनों डोर्स एक ही टाइम पे क्लोज नहीं होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि जब इसके लिए दोनों डोर्स एक ही टाइम पे क्लोज नहीं होंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा बार्न और पोल सिचुएशन पे, जो ये हमारे पास प्रोसेस हो रहा है इस पे ये इफेक्ट क्या होगा। तो इस केस में जो रनर है, फॉर रनर द सिचुएशन इज उसके लिए ये सिचुएशन है इस टाइम के बार्न की लेंथ है 6.6 meters, ओके, पोल की लेंथ है उसके लिए 15 meters, ओके, और डेल्टा टी जो डोर्स के क्लोज होने के दरमियान टाइम डिफरेंस है उसके लिए वो है 11.34 डिवाइडेड बाय सी सेकंड्स। और इसके लिए सिचुएशन क्या है कि ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके पास एक 15 मीटर लेंथ का एक पोल है और बार्न जो है ये बेसिकली इसकी तरफ मूव कर रहा है और बार्न की लेंथ इसको नज़र आ रही है 6.6 meters, और ये डी टू कह लें और ये डी वन कह लें, ओके, तो या फ्रंट डोर, और इसको आप कह लें लेट से फ्रंट डोर, और ये आपके पास रियर डोर है। तो इस केस में जब लीडिंग एंड ऑफ द पोल एंटर होगा बार्न के अंदर, यानी कि ये लीडिंग एंड ऑफ द पोल यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो उस टाइम अगर डोर को क्लोज किया जाएगा तो ये सिचुएशन हमारे पास यूं बनती है कि लट से उस टाइम अगर डोर को क्लोज कर दिया जाता है और ये सिचुएशन बनती है आपके पास कि ये लेंथ आपके पास 6.6 meters है और
ऑल आपके पास यहाँ पे 6.6 मीटर्स तो एंटर हो चुका है बांध के अंदर, लेकिन पोल की टोटल लेंथ थी आपके पास 15 मीटर्स। तो पोल की जो लेंथ इस टाइम बांध से बाहर है वो आपके पास आ जाएगी 15 माइनस 6.6 मीटर्स, विच विल बी इक्वल्स टू 8.4 मीटर। ओके, 8.4 मीटर पोल जो है वो अभी बांध से बाहर है, क्योंकि रनर के लिए ये दोनों डोर साइमल्टेनियसली क्लोज नहीं हो रहे। एक डोर यानी कि रियर डोर उसके लिए पहले क्लोज हो चुका है और दूसरा डोर इसके लिए आफ्टर 11.34 डिवाइड बाय सी सेकंड्स के बाद उसके लिए क्लोज होगा। यानी कि डोर्स क्लोज होने के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है रनर के लिए वो ये है। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में बेसिकली दूसरा डोर इतने टाइम के बाद ये डोर भी जो फ्रंट डोर है ये भी क्लोज हो जाएगा, और इतने टाइम में इस लेंथ को एंटर हो जाना चाहिए इस बांध के अंदर। सो वी कैन से दैट नाउ द लेंथ 8.4 मीटर्स should enter in the bond before closing of front door, or isko jo time available hai वो टाइम अवेलेबल है 11.34 डिवाइड बाय सी सेकंड्स, और जो डिस्टेंस इसने जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है 0.75 सी। और अगर हम इस टाइम और इस वेलोसिटी का यूज़ करें और एस जो है वो अगर ग्रेटर देन 8.4 मीटर या इक्वल्स टू 8.4 मीटर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये पोल जो है डोर क्लोज होने से पहले पहले बांध के अंदर एंटर हो चुका होगा। यानी कि 8.4 मीटर लेंथ जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये अगर इस वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए इतने टाइम में अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जाए तो ये पोल उस डोर के अंदर एंटर हो चुका होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या ये वाकई हो सकता है। यानी टी और वेलोसिटी आपके पास, टी आपके पास 11.34 डिवाइडेड बाय सी और वेलोसिटी आपके पास है 0.75 सी, और इस केस में एस इक्वल्स टू वी टी वैल्यूज अगर हम पुट करें 11.34 डिवाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय 0.75 सी, सी और सी आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और इस केस में एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.505 मीटर। ओके, विच इज ग्रेटर देन 8.4 मीटर्स। तो सिचुएशन आपके पास कुछ यूं बन रही है फाइनली के लेट से ये आपके पास एक बांध था और इसके लेंथ आपके पास कंट्रेक्टिव लेंथ जो रनर था उसको ये लेंथ नजर आ रही थी, या रनर था जो इसको ये लेंथ 6.6 मीटर्स नजर आ रही थी, और इस ये जो पोल लेके एंटर हो रहा है बेसिकली ये पोल जो है आपके पास 6.6 मीटर एंटर हो चुका है, 8.4 मीटर्स रहते हैं बांध जो है इस केस में 0.75 सी के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, स्पीड ये थी, और उसके साथ साथ जो ये डोर क्लोज हो चुका था और उसके बाद ये डोर ओपन हो गया और ये पोल जो है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो गया, लेकिन इस रनर के लिए इस डोर ने क्लोज होना था After t equals to 11.34 divided by c, और अगर इस डोर के क्लोज होने से पहले पहले ये जो डोर है आपके पास फ्रंट डोर और ये रियर डोर था, फ्रंट डोर के क्लोज होने से पहले पहले जो ये एंड था इसको एंटर हो जाना चाहिए फ्रंट डोर के अंदर। तो अगर इस वेलोसिटी के साथ ही, अगर 0.75 के साथ फॉर द टाइम टी इक्वल्स टू 11.34 सी अगर बांध मूव करता रहे तो वो बेसिकली ट्रेवल कर लेगा 8.505 मीटर्स। पोल आपके पास 8.4 मीटर्स का है, तो जब यहाँ पे पहुँच के
डोर बांध का सेकंड डोर जो है वो क्लोज होगा, तो उस केस में डोर क्लोज होने से पहले पहले ये रनर पोल के साथ एंटर हो चुका होगा इन द बर्न. सो यहाँ पे अगर हम कंप्लीट पिक्चर को सामने रखते हुए सारी इस प्रोसेस को स्टडी करें, यानी कि यहाँ पे लेंथ कंट्रैक्शन के साथ साथ रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाए, तो ये पैराडॉक्स इजीली सॉल्व हो जाती है और दोनों एक ही पॉइंट पे, दोनों एक ही बात पे एग्री हो सकते हैं कि ये पोल जो है फॉर अ मूवमेंट इनक्लोज किया जा सकता है एक बांध के अंदर, यानी कि अगर बांध की लेंथ 10 मीटर थी प्रॉपर लेंथ और पोल की लेंथ आपके पास 15 मीटर थी, तो फॉर अ मूवमेंट दिस पोल कैन बी इनक्लोज्ड इन द बांध व्हिच इज शॉर्टर इन लेंथ देन द लेंथ ऑफ द पोल. और लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा कि कैसे इसको इनक्लोज किया जा सकता है. दो जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर था जो बांध के डोर्स के साथ खड़ा हुआ था, उसके लिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जो लेंथ थी पोल की वो कंट्रैक्ट हो चुकी है और वो इजीली एंटर हो सकता है क्योंकि उसकी लेंथ कंट्रैक्ट हो के 9.9 मीटर्स हो चुकी है और वो इजीली एंटर हो सकता है उसके अंदर. और लेकिन जो हमारे पास रनर था जिसके हाथ में पोल था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि दोनों डोर्स एक ही टाइम पे इनक्लोज नहीं हो रहे, दोनों डोर्स जो हैं एक ही टाइम पे जब क्लोज नहीं हो रहे, तो जब रियर डोर जो है वो क्लोज होगा तो उस टाइम 6.6 मीटर पार्ट ऑफ द पोल जो है वो एंटर हो चुका होगा बांध के अंदर, और दूसरा डोर जो फ्रंट डोर है वो क्लोज होगा आफ्टर टी इक्वल टू 11.34 डिवाइड बाई सी सेकेंड. तो इतने टाइम में बांध जो है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ वो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा 8.505, यानी कि पोल जो है उस बांध के अंदर आ चुका होगा. तो सेकेंड जो फ्रंट डोर है उसके क्लोज होने से पहले पहले बांध पोल का जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट एंड है उसका सेकेंड एंड है, वो भी एंटर हो चुका होगा बांध के अंदर. तो लिहाजा इनक्लोज किया जा सकता है बांध को, दोनों एक ही पॉइंट पे एग्री हो जाएंगे. और इस केस में जब दोनों एग्री हैं और दोनों ये समझ रहे हैं कि पोल को इनक्लोज किया जा सकता है, तो इस केस में कोई एक्सीडेंट होने का चांस भी नहीं रहेगा. कि सो देयर इज नो चांस ऑफ एनी एक्सीडेंट. दोनों के अकॉर्डिंग पोल को क्लोज किया जा सकता है एक बांध के अंदर. और फाइनली अगर हम कहें कि बोथ विल एग्री दैट दिस इज पॉसिबल, लेकिन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट होगा. दोनों एग्री तो कर रहे हैं लेकिन दोनों का सोचने का समझने का मेथड डिफरेंट होगा क्योंकि मोशन रिलेटिव है और एक के अकॉर्डिंग रनर जो है वो मूव कर रहा है और दूसरे के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग रनर मूव कर रहा है और जो रनर था उसके अकॉर्डिंग बांध मूव कर रहा था. दोनों का ऑल दो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा लेकिन दोनों एक ही बात पे एग्री कर रहे होंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैराडॉक्स जो थी हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज कर रही थी मोशन इज रिलेटिव पे और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, ये बेसिकली सॉल्व हो गई हैं. मोशन इज रिलेटिव, अगर उसके अकॉर्डिंग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए दोनों का फाइनल डिसीजन जो है वो देखा जाए तो इसको कंक्लूड किया जा सकता है तो कि दोनों का फाइनल डिसीजन सेम होगा, ऑल्दो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट होगा ड्यू टू द फैक्ट दैट मोशन इज रिलेटिव. ओके, टेक केयर.